शिमला में मस्जिद को लेकर जो विवाद गहराया था, हालांकि वो कुछ सुलझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ मंडी में भी जो मस्जिद को लेकर विवाद गहराया था उसको भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सुलझता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी शहर के जेल रोड में और ये हम मस्जिद के बाहर का दृश्य आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो मस्जिद में अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, उस निर्माण कार्य को जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो खुद ही यहाँ पर जो है वो तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हालांकि दो दिन पहले जो हिंदू समाज के लोगों ने यहाँ पर मंडी शहर में जो एक धरना प्रदर्शन दिया था और मांग उठाई थी कि जो अवैध निर्माण यहाँ पर हुआ है उसे तुरंत प्रभाव से गिराया जाए, उसके बाद नगर निगम की तरफ से जो है वो 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी ने यहाँ पर आकर अपनी सारी रिपोर्ट तैयार की और कमेटी ने यहाँ पर पाया कि यहाँ पर जो है वो अवैध तरीके से जो है वो कुछ निर्माण हुआ था, जिसमें जो दीवार तोड़ी जा रही है ये दीवार जो है प्रमुख रूप से बताई जा रही है, क्योंकि ये दीवार कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग की भूमि पर जो है वो बनी हुई है। इसलिए उसके बाद आज भी प्रशासन की तरफ से मुस्लिम समाज के लोगों को कहा गया कि या तो आप इस दीवार को खुद गिराइए या फिर प्रशासन द्वारा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से इस दीवार को जो गिराया जाएगा। तो मुस्लिम समाज के लोगों ने इस दीवार को अब गिराने का काम जो है शुरू कर दिया गया है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पुलिस बल भी यहां पर मौके पर मौजूद है, जो सारा का सारा ट्रैफिक सिस्टम है उसको मैनेज कर रहे हैं। हालांकि यहां पर इस प्रकार के तनावपूर्ण स्थिति वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वही इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा और किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप जो है वो हाल फिलहाल में यहाँ पर नहीं है। कल हालांकि हम बता सकते हैं कि कल के लिए हिंदू समाज के लोगों ने एक बहुत बड़े धरना प्रदर्शन का मंडी में जो है वो प्लानिंग की थी, लेकिन वो धरना प्रदर्शन अब होगा या नहीं होगा उस पर जो है वो जो निर्णय आएगा वो दर्शकों को बता दिया जाएगा। लेकिन अभी जो इस निर्माण को जो वो गिराया जा रहा है, मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों ने जो मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी है उसमें स्पष्ट यही कहा है कि आपसी भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे, इसलिए वो प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए इस अवैध निर्माण को गिरा रहे हैं। दबाव को लेकर उन्होंने जो सवाल पूछा गया उसको लेकर उन्होंने खारिज किया कि किसी प्रकार का दबाव नहीं है, लेकिन आपसी भाईचारा बना रहे इसीलिए इस प्रकार का ये कार्य जो है वो किया जा रहा है। सर, मेरा नाम इकबाल अली है और मैं मस्जिद कमेटी का एक सदस्य हूँ। आज यहाँ पर जो ये आपकी तरफ से ढांचा तोड़ा जा रहा है, किन किन निर्देशों पर क्या है तोड़ा मारना, उसके बारे में बताएंगे? सर, इसके लिए हमें कल दिशा निर्देश मिले थे कि आज PWD आएगा, वो मौका पर अपना निशानदेही करेगा। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी आया था, PWD डिपार्टमेंट भी आया था, पटवारी साहब थे, तहसीलदार साहब थे, कानून गो साहब थे और PWD के SDO साहब थे, ये सब लोग आए हुए थे मौके पर। तो इन्होंने अपनी नाप नपाई की, तो जो पहले इनका एरिया निकलता था आज भी वही एरिया है, पहले भी निशान लगा हुआ था, यहाँ रेड कलर का मार्क लगा हुआ है, वही PWD का निशान है, उसके बाहर उनकी जगह है। तो ये दीवार आ रही है, तो उन्होंने कहा कि आपको ये दीवार गिरा देनी चाहिए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, अगर आप चाहते हैं गिराना है तो गिरा दीजिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये आपकी जगह है, हम पहले भी आपके साथ तैयार थे और आज भी आपके साथ तैयार हैं, हम प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने के लिए तैयार हैं और वो हम कर रहे हैं। टोटल कितनी लैंड थी और कितनी अप्रोचमेंट जो है PWD विभाग ने बताई है? सर, PWD विभाग जो एनक्रोचमेंट बता रहा है, हमारी ये तकरीबन 5 बीसवें के आसपास ज़मीन है, 233 वर्ग मीटर, और PWD की एनक्रोचमेंट 1.72 वर्ग मीटर की बता रहे हैं। तो ये कितने समय से जो है वो आपके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रखी थी और अब जब इनके तरफ से कहा गया है तो यहाँ पर और क्या ऐसा इलीगल था कंस्ट्रक्शन को लेकर जिसको लेकर विवाद खड़ा हुआ? NOC जो आपकी तरफ से नहीं ली गई है, PCP की वायलेशन के भी आरोप है ना, कि ये जो ढांचा बनाया गया इसमें नगर निगम की अनुमति नहीं ली गई, पहले नक्शा पास नहीं करवाया गया, वो सब में क्यों देरी हुई? सर, जैसा कि मैंने बताया कि अक्टूबर 2023 को हमने नक्शा अप्लाई किया था, मैप अप्लाई किया था, उसमें जो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट थे, हमारा ततीमा था, जमाबंदी थी, नक्शा था, बट उसमें PWD की NOC ना हमें पता था कि लेनी पड़ेगी और ना किसी ने अवगत करवाया। और जब हम एक लेंटर डाल चुके थे मार्च 2023 में, एक लेंटर हम डाल चुके थे, उसके बाद PWD की हमें जो है ऑब्जेक्शन लग के आया कि आप PWD की NOC लाइए और बिना परमिशन आपने काम शुरू कर दिया। तो हमारा जो मैप है उसका 6 महीने बाद हमें पता चला कि इस पर ऑब्जेक्शन लग रहा है, उससे पहले हमें कोई इंटीमेशन नहीं थी। कितने 6 महीने पहले आपको नोटिस दिया गया था PWD विभाग की ओर से? 6 महीने बाद नक्शा अप्लाई के बाद नोटिस कब दिया गया था आपको? उससे पहले जो 2 दिन पहले कार्रवाई, उससे पहले भी नोटिस दिया गया था? तो लगातार नोटिस तो आ ही रहे हैं, पेशी हियरिंग चल रही थी हमारी। क्या ये किसी दबाव में सारा कुछ काम नहीं? सर नहीं, कोई दबाव नहीं है, हम लोग चाहते हैं सौहार्द बना रहे, भाईचारा बना रहे, प्रशासन का जो दिशा निर्देश है वो हम लोग पूर्ण करते रहें, मस्जिद है मस्जिद की तरह रहे,
क्योंकि आप शिमला में देखें तो वहाँ पर भी इसी प्रकार से लोगों ने जो है अवैध निर्माण को तोड़ने की बात कही है, तो क्या वहाँ से आपको कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे? नहीं सर, देखिए हमने कहा शिमला से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमें उनके बारे में ज़्यादा जानकारी है। यहाँ जो दिशा निर्देश प्रशासन हमें करेगा वो हम उस पर हम सहयोग करेंगे।